हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एक्स वाई जेड में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मैथ की चैप्टर नंबर एक का नेक्स्ट जो पार्ट रह गया था, एक्सरसाइज 1.2 का जो रिमेन्स रह गया था वो लेके आए हैं, पार्ट टू, नोइंग योर नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे हम। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ रुपीज 285,891 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 रुपीज इन सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर टू वीक्स टूगेदर, कितना सेल हुआ, मतलब दोनों वीक्स में, फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में टोटल कितना सेल हुआ है वो पूछा है। ठीक है, और इन विच वीक सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। ठीक है, तो कितना कौन से वीक में ज्यादा सेलिंग हुई है और कितनी ज्यादा हुई है, ये चीज पूछी। दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कितने रुपए की हुई है, ये रुपए का निशान होता है। ठीक है, तो कितने रुपए की सेल हुई है, 2,85,891 रुपीज की सेल हुई है फर्स्ट में, और सेकंड में बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक में कितने रुपए की सोल्ड हुई है, तो देखेंगे हम 4,768 रुपीज की। ठीक है, तो टोटल यहां पर हम देखेंगे, टोटल सेल इन बोथ वीक्स, तो टोटल सेल कितनी होगी भाई, हम इन दोनों को टोटल करने के लिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, यहां से 8 और 1 9 हो गया, 6 और 9 15। ठीक है, तो यहां से हम जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, 8 and 1 9, 6 and 9 15, 1 carry, 7 and 8 15 and 1 16, ठीक है, 1 carry, कोमा 5 and 1 6, ठीक है, 8 8, 4 and 2 6, तो ये इतने रुपए की सेल होगी, कितने रुपए की होगी यहां से देख रहे हैं हम, 6,86,659 रुपीज की टोटल सेल होगी दोनों वीक्स में। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कितने की कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई, तो हम यहां से हम देख पा रहे हैं कि सेकंड वीक में ज्यादा हुई है, तो हम यहां से हम कह सकते हैं, सिंस जो कि दिख रहा है, सिंस ये सेकंड वीक सेल ग्रेटर देन फर्स्ट वीक, ठीक है, या और पूछ रहा है कितनी हुई, तो इसमें से हम ये घटा देंगे, तो घटा दीजिए, इसमें से जब ये घटाएंगे, इसमें से जब वापस ये इसको घटाते हैं इसमें से इसको, तो वो हमारे पास आ जाएगी डिफरेंस, वो आ जाएगा अपना डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ टू वीक्स। ठीक है, तो घटा दीजिए, 8 में से 1 गया तो 7, एंड यहां पर बच गए कितने, 16 में से 9 गया तो भी 7, उसके बाद कितने हो गए यहां पर, हो गए 16 में से 8 गया तो 8, ओके, उसके बाद यहां पर बच गया 9 में से 5 गया तो 4, यहां पर भी 9 में से 8 गया तो 1, एंड 4 में से यहां पर 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, तो यहां पर कितना रुपीज का डिफरेंस आ गया, 1,14,877 रुपीज का डिफरेंस आ गया। इट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि जो सेकेंड वीक की जो सेल है वो कितनी ज्यादा होगी, 1,14,877 रुपीज ज्यादा होगी एज कंपेयर फर्स्ट वीक। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4 and 3 ईच ओनली वंस। तो हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ये इसमें बोल रहा है कि 6, 2, 7 and 3 है, ठीक है, जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको एक ही बार यूज करना है, और इसका सबसे बड़ा इन नंबर से सबसे बड़ी डिजिट बनानी है और सबसे छोटी बनानी है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है वो चीज ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सबसे बड़ी डिजिट बनाते हैं, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी जो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी
मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी से छोटी की तरफ, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सेवन, फिर उसके बाद सिक्स, उसके बाद फोर, उसके बाद थ्री एंड उसके बाद टू, ठीक है। तो यहां से क्या कितना बता दिया, 76,432 इसकी ये डिजिट आ गई। एंड अब हम देखते हैं लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर क्या बनेगा, तो लीस्ट नंबर हम लिख देते हैं यहां पर सबसे छोटी से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी जो है वो लिख दीजिए टू थ्री फोर सिक्स एंड सेवन, ठीक है। इसको जब हम पीछे की तरफ से लिख देंगे तो ये सबसे क्या बन जाएगी, छोटी संख्या बन जाएगी, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कितनी बन गई ये 23,467, ये तो डिफरेंस कितना आ गया इसका, हम लिख देते हैं डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, डिफरेंस निकालेंगे, निकाल दीजिए, ठीक है। तो बड़ी में से जब हम छोटी को घटाएंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, 13 में से यहां पर बचा 12 में से 6 गया तो 6, यहां पर बचा 13 में से 4 गया तो 9, ओके, कोमा, आफ्टर दैट यहां पर बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, और यहां पर बचा 7 में से 2 गया तो 5, ओके। ये अपने पास नंबर आ गया कितना, 52,965, दिस इज द आवर राइट आंसर, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो वो उतने दिनों में कितना कितने स्क्रूज बना देगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। ए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज, ठीक है। अब देखते हैं हम कि ये क्या पूछा है, जनवरी में कितने, जो जनवरी महीने में ना पूरे महीने में कितने स्क्रूज बना देगी, तो हम लिखेंगे इट मैन्युफैक्चर्स स्क्रू इन जनवरी 2006, ठीक है। कितने बना देगी, तो वो हम देखेंगे ये एक दिन में बना रहा था, तो हम क्या कर देंगे 31 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2825 को हम 35 से 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 87,500, तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर, 87,575, ठीक है, मतलब 87,575 आंसर आ जाएगा स्क्रूज, यहां पर आप लिख देंगे स्क्रूज, ठीक है। तो कितने स्क्रू बना देगी, इतने स्क्रू बना देगी, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक दिन में इतने बनाती है तो 31 डेज में कितने बनाएगी, 31 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इतने स्क्रूज आ जाएंगे, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मर्चेंट हैड 78,592 विद रुपीज विद हर, सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेज 40 रेडियो सेट एट द रेट ऑफ 1200 पर सेट, ओके। हाउ मच मनी विल परचेज के बाद उसके पास कितने रुपए रह गए, एक व्यापारी है वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ रुपए है, ठीक है, कितने रुपए है, 78,592 रुपीज है, ठीक है। एक लेडी है वो क्या कर रही है, 40 रेडियो 1200 रुपए के हिसाब से 40 रेडियो सेट खरीद रही है, ठीक है। तो अब उस परचेज के बाद उस के पास कितने पैसे रिमेन्स रह जाएंगे, तो हम यहां पर देखते हैं उसके मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए अभी 78,592 रुपीज है, ओके। अब वो परचेज कर लेती है, वो लेडी है सी, एक लेडी है वो क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, सी परचेज 40 रेडियो सेट, ठीक है, इन विद वर्थ ऑफ एट द रेट 1200 रुपीज 1200 पर सेट, ठीक है। तो कितने रुपए स्पेंड कर दिए उसने, हम देखते हैं 1200
इंटू 40, तो यहां से उसने कितने स्पेंड कर दिए, यहां से कर दिए 48,000 रुपीज, ओके स्पेंड कर दिए, तो रिमेन्स कितने बच गए, मर्चेंट हैड रिमेन्स आफ्टर, यहां पर कितने आफ्टर परचेज के बाद कितने पैसे बच गए, इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से ये घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां से घटाएंगे तो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, कोमा 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितने रुपए बच गए, 30,592 रुपीज उसके पास रिमेन्स रह गए, ठीक है ओके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, इंस्टेड ऑफ किसको, किससे करना था 56 से करना था और वो कर देता है 65 से, तो वो कह रहे कि इसके अंदर कितना जो आंसर है ना वो कितना मतलब गलत आया, मतलब जो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए उससे जो रॉन्ग आंसर आया वो कितना ज्यादा है, ठीक है ये डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, जो उसका जो करेक्ट आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा होना, कितना ज्यादा आया, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं रॉन्ग आंसर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर आया तो रॉन्ग आंसर कितना क्या होगा, 7,236 को वो 65 से गुना कर देता है तो क्या आता है रॉन्ग आंसर आता है, तो इसको इसको गुना करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4,70,340, ओके इतना आता है। उसके बाद हम देखते हैं राइट करेक्ट आंसर, जो करेक्ट करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 56 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होगा आप गुना कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 405216, ठीक है इतना इतना होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है या फिर ये कितना ज्यादा आया, तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंस, क्या लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस लिख दीजिए, डिफरेंस क्या कितना होगा, इसमें से ये घटा देते हैं तो यहां से कितना हो गया 10 में से 6 गया तो 4, यहां पर बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहां पर बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है कोमा, ठीक है उसके बाद 10 में से 5 गया 5, उसके बाद यहां पर बच गया 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है ये डिफरेंस आ गया, ये कितना आ गया, ये क्या आ गया डिफरेंस। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड, ठीक है एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ 40 मीटर क्लॉथ के अंदर हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड, कितनी शर्ट्स बन जाएगी, ठीक है और कितना कपड़ा रिमेन्स रह जाएगा, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम पहले हम क्या देख क्या करेंगे, जो एक शर्ट का कपड़ा है ना उसको 40 मीटर से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है जो आंसर होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएंगी, और नीचे जो रिमेन्स बच जाएगा जो शेष बचेगा नीचे वो क्या होगा भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा शेष बचा हुआ कपड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है तो यहां से हम इसको 2 मीटर को और 15 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे 2 को तो हम 100 से गुना करेंगे और हम इसको 15 को जोड़ देंगे, तो कितना मिल गया हमें 215 सेंटीमीटर, ओके। अब देखते हैं हम हमें कितना मीटर कपड़ा दिया गया है, इतना 40 मीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्टिंग टोटल क्लोथ इन सेंटीमीटर, ठीक है तो हम कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे 40 को हम कितने से गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है 40 को हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 बन जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4000 को हम डिवाइड कर देते हैं, 4000 को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो कर दीजिए कितने से डिवाइड करते हैं 215 से, ठीक है तो 215 बन जाए 215, यहां क्या बच गया 5, यहां बच गया 9 में से 1 गया तो 8, एंड यहां पर बच गया 3 में से 1 2 गया तो 1, और यहां से क्या बच गया अपना 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको करते हैं 28 पे करके देखते हैं 8, ठीक है तो ये हो गया 1720, ओके तो यहां से हमारा कितना बच गया रिमेन्स 103, ठीक है तो ये तो कपड़ा हो गया, ये तो कपड़ा बच गया अपने पास, और ये क्या होगी शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है तो यहां से हम कह देंगे देयरफोर 18 शर्ट्स स्टिचेस इन
40 meter cloth and 1 meter. इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में ना, तो यहां पर यहां से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर एंड कितने हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा विल रिमेन. ओके ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम. मतलब 4.5 किलो का एक बॉक्स बनता है. ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 4.5 किलो दवाइयां डाली जा सकती है. तो ये पूछा है हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी यूज्ड और लोडेड इन ए कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. मतलब 800 के अंदर कितने बॉक्सेस लगेंगे. ठीक है, 800 kg दवाई को बॉक्सों में डालने के लिए कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछ रहा है. ये जो 800 kg जो है उसको हम क्या करेंगे 4 kg 500 ग्राम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स निकल के आ जाएंगे. तो कर दीजिए, पहले हम लिखते हैं. ठीक है, 1 बॉक्स कैरी मेडिसिन ना 4 kg 50 ग्राम, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4 kg को हम कन्वर्ट किसमें कर लेते हैं ग्राम में. तो 4 × क्या कर देंगे हम 1000 प्लस में 500 भी लिख देंगे तो यहां से क्या आ गया अपना 4500 ग्राम आ गया. ओके, अब ये वो कहता है टोटल मेडिसिन, टोटल मेडिसिन कितनी है अपने पास 800 kg. तो 800 केजी को हम किसमें इंटू कर लेते हैं 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ग्राम आ जाएगा. तो कितना हो गया हमारे पास 800000. इसका मतलब कैसे मैंने गुणा की ना इसकी तब इतना आया. कैसे गुणा की है, जितनी भी हम गुणा करते हैं जब किसी को जितनी से भी हम गुणा करते हैं तो वो उतनी जीरो उसकी जीरो उसके अंदर चली जाती है और फिर हम डिजिट को इससे गुणा कर देते हैं. तो यहां पर देखिए जीरो कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 ही लिखी है 1 2 3 4 5. ठीक है, और 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, डिजिट को डिजिट से कर देंगे और जीरो जितनी भी नंबर ऑफ जीरो है वो भी हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, ये हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एडिशन में नहीं करेंगे. ओके, तो यहां से हम लिख देंगे कोमा लगा देते हैं तो यहां से हम बता सकते हैं कितनी कितने ग्राम हो गया, ये कितने ग्राम हो गया 100000 ग्राम. कितना 100000 ग्राम हो गया. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं हम निकालते हैं नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स बॉक्सेस रिक्वायर्ड. ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 800000 को ये 4500 ग्राम से हम क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं कर देते हैं. तो कर दीजिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और हम जब इसको 8000 बच गया कितना 8000 को हम जब 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया एक पे गया 45 बच गए कितने 35 नीचे उतारा. ठीक है, कितने पे गया 7 पे 5. ठीक है, नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया अपना 5 और ये 3. ठीक है, फिर जीरो उतारा, फिर हमारा कितने पे गया 7 पे फिर से. ठीक है, तो 315, फिर कितने बच गए 35. ओके ठीक है ना, तो हम इसको तो छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं. ठीक है, और हमारे पास टोटल बॉक्स कितने आ गए भाई, कितनी मेडिसिन तो हम छोड़ देते हैं बाकी हमारे पास बॉक्स कितने आ गए 177 बॉक्सेज हो गए. कितने आ गए 177 बॉक्सेज हमें चाहिए होंगे. ठीक है, ओके. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. ठीक है, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, वो जाती भी है, बोथ वे का मतलब है वो जाती भी है और आती भी है. ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डे. तो 6 दिन के अंदर वो कितना किलोमीटर कवर कर लेगी या कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये चीज हमें निकालना है. तो हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में देखते हैं वो कितना किलोमीटर कवर कर रही है एक दिन में. ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड होम कितना किलोमीटर है उसका 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर. इसका मतलब कितना हो गया 1.875 किलोमीटर
हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ओके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो इस पॉइंट लगाने का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके तो देखते हैं हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन वन डे में कितना होगा, 1.875 किलोमीटर गुना में दो, भाई जा भी रही है और आ भी रही है, ठीक है ना। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3.750 किलोमीटर। कितना ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हम इसको दो से गुणा कर देंगे क्योंकि भाई जा भी रहा है, वो लड़की जा भी रही है और वापस भी आ रही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, कितना 6 डेज में कितना करेगी। तो हम 3.750 को हम क्या कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 दिन में, ये एक दिन का था तो ये कितने का हो गया, 6 डेज का। ओके तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ओके तो यहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं किलोमीटर। ओके ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड, एक वेसल है, एक बर्तन है, उसके अंदर दही कुछ अमाउंट में रखा हुआ है, मतलब फुल भरा हुआ है, कर्ड है, कर्ड से दही से, और उसके अंदर कितना दही आता है, 4 लीटर और 500 ml, ठीक है, मिलीलीटर दही उसमें आता है। हाउ मेनी ग्लास ईच ऑफ 20 ml, हर एक गिलास 25 ml का बनता है, तो उस गिलास 25 ml के गिलास कितने ग्लासेस भर दिए जाएंगे, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ए वेसल 4 लीटर एंड 500 ml, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1000 से गुणा करेंगे, प्लस में 500 ml है ही हमारे पास, तो कितना हो गया हमारे पास, 4500 ml हो गया, ठीक है। इतना कार्ड हमारे पास है, एक गिलास कंटेन कर्ड, एक गिलास जो है वो कितना कंटेन करता है, इतना। तो नंबर ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड टू फिल ऑल कर्ड, सब पूरे कर्ड को कितने नंबर ऑफ ग्लास होंगे, तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितना इतने इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, ठीक है, यहां पर 1 पे गया, 25 1 जा 25, तो यहां पर कितना बच गया, 20 1, ये 0 1 उतार लिया हमने, ये कितने पे बच कट गया, 8 पे, 25 8 जा 200। ओके नेक्स्ट 0 उतारा, ठीक है, नहीं जाने का, 0 नहीं पे नहीं जा रहा है, तो हमारा हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, 180। कितने ग्लास रिक्वायर्ड होंगे, कितने ग्लासेस रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने ग्लासेस रिक्वायर्ड होंगे, 180 ग्लासेस रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है आज, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस चीज का, इस वीडियो का, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू।